हे हेलो एंड वेलकम टू अवर कार सीरीज़। और आज हमारे सामने है मारुति अर्टिगा और आप ये ZXi प्लस मॉडल देख रहे हैं जो कि है स्मार्ट हाइब्रिड। स्मार्ट हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे फ्यूल की कंजप्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है, फ्यूल की बचत भी हो जाती है और गाड़ी एवरेज अच्छा देती है। स्टार्टिंग में अगर गाड़ी को आप इनिशियल बूस्ट करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी बैटरी की पावर से उठती है, उसके बाद ये पेट्रोल का यूज़ करती है, तो इस वजह से गाड़ी का माइलेज भी काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। और अगर बात करें प्राइस की तो 8,35,000 से स्टार्टिंग वाला मॉडल मिलता है और 12,80,000 रुपये के करीब आता है टॉप मॉडल। और ये है हेलोजन में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, टर्न इंडिकेटर और फॉग लैम्प आपको मिल जाता है। और ये दी है डायनेमिक क्रोम विंग फ्रंट ग्रिल, काफ़ी अमेजिंग एंड ब्रॉड लगती है, क्रोम फिनिश भी दिया गया है एंड तकरीबन 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। काफ़ी अमेजिंग ये ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है अर्टिगा में। और अगर इस मॉडल की प्राइस की बात करें तो 11,29,000 एक्स शोरूम कीमत रखी गई है इस वाले मॉडल की, अर्टिगा ZXi प्लस की। और अर्टिगा ZXi प्लस में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं और ये गाड़ी CNG में भी अवेलेबल है। और अगर इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर के सीरीज डुअल जेट VVT इंजन आता है विद स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। और ये देख सकते हैं आप एलॉय व्हील्स जो मशीन कट में है, R15 इंच डुअल टोन मशीन कट एलॉय व्हील्स। और ये हैं ORVM, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM दिए हैं। क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल मिल जाएगा विद रिक्वेस्ट सेंसर। और अर्टिगा को नेक्स्ट जनरेशन ये बनाया गया है काफ़ी अमेजिंग लुकिंग के साथ। जो पीछे से ये लुकिंग है उसको काफ़ी इनहेंस किया गया है इसके टेल लैम्प से, काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन में टेल लैम्प्स बनाए हैं। फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिलते हैं और रियर में टॉर्च बीम कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और कुछ इस तरह का दिखता है अमेजिंग बैक लुक। रियर विद से काफ़ी अमेजिंग ये दिखती है अर्टिगा। और ये MUV सेगमेंट की गाड़ी है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, काफ़ी सक्सेसफुल रही है अर्टिगा शुरू से ही। और ये देख सकते हैं आप रियर LED टेल लैम्प्स विद रिफ्लेक्टर्स, अर्टिगा की बैजिंग, सुजुकी का लोगो और आपको रियर वाइपर, डिफॉगर ग्लास, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। और आपको इसमें नॉर्मल एंटीना मिलता है, पावर एंटीना, शार्क फिन एंटीना नहीं प्रोवाइड किया गया। और आपको रियर कैमरा मिल जाता है, दो लैंप दिए गए हैं टेल गेट पर। पीछे आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और ये दिए है स्पेयर व्हील एग्जॉस्ट। और अगर डायमेंशंस की बात करें तो 4.3 मीटर लेंथ बनाई है गाड़ी की। ये है स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, अर्टिगा की बैजिंग। 1.7 मीटर विड्थ है, 1.6 मीटर हाइट दी गई है गाड़ी में और तकरीबन 2740 mm का व्हील बेस बनाया गया है। 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है और कंपनी क्लेम करती है 18 km/L का माइलेज ऑन हाईवे। और अब चलिए इंटीरियर्स चेक करते हैं। तो इस मॉडल में आपको, ये जो टॉप मॉडल है अर्टिगा का, इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं इंटीरियर में ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको की दिखाते हैं, तो की कुछ इस तरह की मिलती है। सुजुकी ने की को इम्प्रूव नहीं किया गया, ये इनका माइनस पॉइंट हो सकता है। काफ़ी सिंपल सी ये की बनाई है। और अब चलिए इंटीरियर चेक करते हैं। रिमोट की आती है विद रिक्वेस्ट सेंसर डोर के साथ कुछ, और लेकिन अमेजिंग ये इंटीरियर बहुत ज़्यादा शानदार बनाया है इस गाड़ी का। काफ़ी नाइसली ये वर्क किया गया है इंटीरियर पर, काफ़ी लग्जूरियस और अमेजिंग बेज कलर में कॉम्बिनेशन दिया गया है इंटीरियर में, जो काफ़ी लग्जरी लगता है। यहाँ पर दी है वुडन फिनिश, इलेक्ट्रॉनिकल ORVM कंट्रोल्स, ये ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है यहाँ पर, बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल, टोटल 6 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है आपको अर्टिगा में, जो कि है 4 डोर पर स्पीकर और 2 ट्विटर्स। और लेकिन आपको इसमें हाइट एडजस्टेबल मैनुअली मिलती है सीट, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं दी गई। और ये है इंटीरियर्स, बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है डैशबोर्ड पर। स्टेयरिंग व्हील पर आपको ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल माउंटेड मिल जाते हैं, डी शेप में बनाया गया है स्टेयरिंग व्हील। और ये दी हैं सीट्स जो आपको फैब्रिक अपॉलिस्टी के साथ मिलती हैं। टोटल 3 रो दी गई हैं अर्टिगा में, फ्रंट, मिडिल एंड सबसे रियर, रियर वाली जो रो है वो। अर्टिगा के कंपटीशन में और भी कई कंपनियों ने गाड़ियां निकाली हैं MUV सेगमेंट की, लेकिन ये गाड़ी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है अपने गुड लुकिंग इंटीरियर्स और एक्सटीरियर की वजह से और अमेजिंग सेफ्टी फीचर्स की वजह से। और स्टेयरिंग की बात करें तो टिल्ट फंक्शन के साथ आती है, ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल माउंटेड है। नीचे आपको वुडन फिनिश मिल जाती है और ये है अमेजिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बीच में आपको MID मिल जाती है और
आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर दिए हैं एनालॉग में। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके जो मीटर हैं वो ऊपर की तरफ थोड़े से उभरे हुए हैं, जो देखने में काफ़ी और अच्छे लगते हैं। और कुछ इस तरह दिखता है रियर व्यू कैमरा। इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में हम थोड़ी देर से बात करेंगे, अभी देख लेते हैं IRVM जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है। केबिन लैंप, और ये है सन वाइजर विद वैनिटी मिरर। ड्राइवर साइड आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता। ग्लव बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको कूल फंक्शन नहीं मिलेगा। वुडन फिनिश मिल जाती है डैशबोर्ड पर, और कुछ यूनिक डिज़ाइन में ये देने की कोशिश की गई है AC वेंट्स को। और ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंचेस, जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बनाया गया है। 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं आपको पूरी गाड़ी में, जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा और सराउंडेड बनाते हैं। सॉरी 8 इंचेस नहीं है इसमें, ये 7 इंचेस का, ये 7 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अमेजिंग है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के साथ भी आता है। प्ले मीडिया सॉन्ग, वॉइस असिस्ट करेगी आपको, इसमें जो वॉइस है वो आप बदल भी सकते हैं। आपकी वॉइस सुन के आप जो वॉइस कमांड देंगे वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, और वही चीज़ आपको कमांड में मिलती है। और ये दिया गया है अमेजिंग टेम्परेचर कंट्रोल, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC, जिस पर आप डिजिटल डिस्प्ले देख सकते हैं। इस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्पीड कितने फैन स्पीड से चल रहा है, कितने टेम्परेचर पर चल रहा है, और सम मैनुअल बटन्स भी दिए हैं। और ये दिया है पावर सॉकेट, USB सॉकेट, USB पोर्ट, और यहाँ पर भी आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई कप वगैरह रखते हैं तो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ठंडी रहेंगी। यहाँ से AC वेंट्स भी इसमें मिल जाते हैं कप होल्डर्स में। और ये है आर्मरेस्ट डिसेंट स्टोरेज के साथ, और कुछ इस तरह की दिखती हैं सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर मिल जाता है। ऊपर की साइड भी आपको AC वेंट्स दिख रहे होंगे, ऊपर की साइड भी AC वेंट दिए हैं। और अब चलिए सेकंड रो की तरफ, सेकंड रो पे कितनी स्पेस दी गई है अर्टिगा में चलिए चेक करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको मिल जाती हैं सेकंड रो। सेकंड रो में आपको स्पेस इनफ मिल जाती है, लेकिन थर्ड रो में आप स्पेस देख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर से। डोर पर आपको बोतल होल्डर, स्पीकर ग्रिल, पावर विंडोज़ बटन स्विच, और ये दी है सेकंड रो की स्पेस। सीट को पीछे करके आप देख सकते हैं कि इतनी स्पेस आप इसमें आ जाती है। सभी सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, और यहाँ से रिक्लाइन होती है रियर की सीट। 60-40 स्प्लिट सीट बनाई गई हैं रियर में। फुल बेज कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है, और ये है रियर आर्मरेस्ट। इस पर आपको लेकिन कप होल्डर नहीं मिलते। और गाड़ी में एक फ़ीचर दिया गया है जिससे आप आउटसाइड टेम्परेचर का भी डिस्प्ले इसमें देख सकते हैं, कितना टेम्परेचर है बाहर गाड़ी के बाहर। और जहाँ जहाँ गाड़ी में वुडन फिनिश दी गई है उसको मारुति बोलती है मेटेलिक टीक वुडन फिनिश। और अब चलिए सेकंड रो में बैठ कर देखते हैं। तो कुछ इस तरह का दिखता है आपको डैशबोर्ड। सेकेंड रो से काफ़ी प्रीमियम ये लगता है। वैसे इंटीरियर बहुत ही शानदार बनाया है अर्टिगा का। स्टार्टिंग से अर्टिगा का इंटीरियर काफ़ी अच्छा दिया जाता था। और यह है रियर सीट पर आपको मिल जाता है पावर सॉकेट, सम स्पेस, और यहाँ दिए हैं AC वेंट्स। AC वेंट के कंट्रोल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह की दी हैं थर्ड रो सीट्स, जिसमें आप स्पेस देख सकते हैं। काफ़ी डिसेंट सा स्पेस इसमें दिया गया है थर्ड रो में चिल्ड्रंस के लिए, लेकिन ये सीट का बिल्कुल फिट बैठती है। एडल्ट को थोड़ी परेशानी आ सकती है इस सीट पर। एंड अब चलिए बूट ओपन करके देखते हैं बूट में क्या फीचर्स दिए हैं। और कुछ इस तरह का आपको बूट मिल जाता है। फ्रंट वाली जो थर्ड रो वाली सीट्स हैं वो फोल्ड हो जाने पर और भी ज़्यादा बूट स्पेस बन जाता है, और बिल्कुल फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं ये सीट्स। बूट स्पेस की बात करें तो तकरीबन 209 लीटर का बूट स्पेस दिया है, और अगर आप सीट फोल्ड कर देते हैं तो और भी ज़्यादा स्पेस इसमें निकल के आता है। 50-50 स्प्लिट हो जाती हैं रियर सीट्स थर्ड रो की, बिल्कुल फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं। और फोल्ड होने के बाद तकरीबन 450 या 500 लीटर तक का बूट स्पेस इसमें बन जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ये फोल्ड हो जाती हैं, और यहाँ से आप वापस इनको रिक्लाइन कर सकते हैं।
वापस एडजस्ट कर सकते हैं सीट को, ये रिबन दी गई हैं। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं थर्ड रो की स्पेस, पीछे थर्ड रो में आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं आसपास लेफ्ट एंड राइट साइड में। एंड सेफ्टी में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थीफ अलार्म, 4 आपको एयरबैग्स दिए गए हैं गाड़ी के अंदर, सीट एंड डोर रिजर्व वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर और भी कई सारे अमेजिंग सेफ्टी फीचर्स। तो आपको कैसी लगी मारुति अर्टिगा हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।